प्रिय मित्रों नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास इलेवंथ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पेपर है हिंदी का 14 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या क्या आने वाला है पेपर में, पूरा का पूरा यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। इंतज़ार कीजिएगा वीडियो पूरे खत्म होने का, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 80 नंबर का पेपर आने वाला है, क्या क्या आने वाला है अभी यहाँ पर समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए, निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कक्षा 11वीं विषय हिंदी, पेपर जो आने वाला है 14 अक्टूबर, हिंदी त्रैमासिक परीक्षा आपकी चल रही है, पेपर आपका हिंदी का रहेगा, पूरा का पूरा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। इलेवंथ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए, कबीर की भाषा को कहा जाता है, बिल्कुल काव्य खंड से पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका काव्य से है क्वेश्चन भी, जिसके बाद में यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी काव्य से है, बिल्कुल क्वेश्चन जो बने हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको 30 मिलेंगे। पूरा सिलेबस जो आपका है, जो ब्लू प्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी कक्षा 11वीं वाले बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहे। घंटी के बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाए हैं उनको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो कबीर की जो भाषा कही जाती है वो कही जाती है सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है, ठीक है। ब्रज भाषा मत लगा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। देखिए, ये खंड काव्य जो पथिक है, पथिक आपकी एक रचना भी है, पाठ भी है आपका पथिक, तो इस पथिक पाठ को किसने लिखा है, तो इस पाठ को लिखने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से छायावादी कवि है, इनमें से चार जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से कवि है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो छायावादी कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अमृत राय किस प्रसिद्ध के लेखक के पुत्र हैं। अमृत राय जो लेखक के पुत्र हैं, तो प्रेमचंद के पुत्र हैं कौन, अमृत राय। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो कुई की जो खुदाई की जाती है बसोली से की जाती है। देखिए, बसोली जो होता है, जो फावड़ा रहता है ना, उसका छोटा रूप होता है, ठीक है। कुएं मतलब कुआ नहीं, कुआ बड़ा होता है, कुएं छोटी होती है, तो उसमें बड़ा जो छोटी कुएं होती है उसमें क्या है, फावड़ा जो बड़ा रहता है वो चल नहीं पाता है, इस कारण से बसोली से इसकी खुदाई की जाती है, समझ गए होंगे आप। जनसंचार के माध्यम है, तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तक व समाचार, उपरोक्त सभी आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में हम खाली स्थान देखेंगे, जो बिल्कुल पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, खालिस्तान का चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, ठीक है। तो चित्रपट संगीत का जो पर्याय कहा जाता है, वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। देखिए, हिंदी भाषा में जो पहले समाचार पत्र नहीं चलते थे, तो सबसे पहले जो चला तो उसका नाम था उद्दंड मार्तंड, ये हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र माना जाता है। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वर्णिक छंद कहते हैं, लिख के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका आना है छंद से, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हो सकता है इस बार मात्रिक छंद का पूछ लिया जाए कि मात्राओं की गिनती जिसमें की जाती है वो कौन सा छंद कहलाता है, तो वो उसमें आप लगाओगे मात्रिक छंद। तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है, तो दोस्तों तुम तो उल्लू हो मतलब यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम तो मूर्ख हो, लेकिन डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट रूप से कहा है, मतलब प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर उभर रही,
किसकी, घर की स्मृतियां उभर रही थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो एक मानी है, एक आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीप जागती थी, ये कथन प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा से लिया गया है। अब सत्यापत्य यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बताए जाएंगे कि पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, जी नहीं, खंड काव्य है ये। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। और पंचवटी को लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास जी हैं, बिल्कुल राइट, सत्य लगा दीजिएगा इस पर। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, बिल्कुल सत्य करिएगा। मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, असत्य। तो यहाँ पर मुझे अब आंसर बता दीजिएगा कि मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी राइट आंसर इसका बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, गलत। किसको माना जाता है, इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। इसका हम ही बता देते हैं, लता मंगेशकर को माना जाता है। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को ही माना जाता है। जोड़ी यहाँ पर देख लीजिए, कबीरदास का जन्म, तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है लहर तारा, लिख लीजिएगा लहर तारा। नरसी जीरो माहेरो जो रचना है मीराबाई की है। स्वर साम्राज्ञ जो कहा जाता है लता मंगेशकर को कहा जाता है। अनुपम मिश्र तो राजस्थान की रजत बूंदे, शेखर जोशी इसको मिलाइएगा गलता लोहा, और कहानी और उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। तो ये जोड़ी आपकी करेक्ट हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना है, श्री कृष्ण की आराधना करती रही। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, देखिए इसका जो सही अर्थ होता है वो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोलूँगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। महाकाव्य तो एक तो लिख लीजिएगा रामचरितमानस, जिसको लिखा है तुलसीदास ने, एक लिख लीजिएगा पद्मावत, जिसको लिखा है जायसी ने, एक लिख लीजिए अखंड काव्य लिख लीजिए पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, ठीक है 2-2 हो गए। उसके बाद में मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो इस वाक्य में से कुछ नहीं, आपको एक केवल हटा दो या मात्र हटा दो, एक शब्द इसमें से हटा दो, आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए, तो देखिए 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, नाम भी लिख दिए। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, देखिए यहाँ पर जो कबीरदास जी है उन्होंने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, मतलब सृजनकर्ता, निर्माणकर्ता, ठीक है वो क्या करता है, निर्माणकर्ता है, निर्माणकर्ता का प्रतीक यहाँ पर उसको माना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो देखिए जो छायावाद के जो कवि थे उनके नाम बताना है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि थे छायावाद के। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर मैं 23 तक यहाँ पर आप क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पर जल्दी से जाइएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा जल्दी से। जितने भी दोस्त 11 वाले जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं करा है तो कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा, साथ ही आगे भी अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर इन क्वेश्चनों को जल्दी से 23 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये गद्यांश पढ़ना है, नीचे के ये क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से चाट के उत्तर देना है, आराम से मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिले तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। देख लीजिए इन क्वेश्चनों को,
ये क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, मोहल्ले की गंदगी को साफ करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को एक क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, मतलब आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आराम से लिख दीजिएगा, हमने भी चैनल पर ये डाल रखा है, ठीक है। और ये निबंध लिखना है, इसमें जो जिस पर भी आप निबंध लिखना चाहो लिख देना, एक विषय पर लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये वीडियो हमारा खत्म हो चुका है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी अपडेट मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।